गद इतना सुंदर और कलापूर्ण हो सकता है, इस पर उनकी रचनाएं पढ़कर ही विश्वास होता है। परसाई रचनावली। कबीरा, आप ठगाइए। मनुष्य का जीवन यों तो बड़ा दुखमय है, पर इसमें कभी कभी सुख के क्षण आते रहते हैं। एक सुख का क्षण वे होता है जब हमारी खोटी चवन्नी चल जाती है, या हम बगैर टिकट बाबू से बचकर निकल जाते हैं। एक सुख का क्षण वह होता है जब मोहल्ले की लड़की किसी और के साथ भाग जाती है, और एक सुख का क्षण वे भी होता है जब बॉस के घर छठवीं लड़की होती है। इनमें से कुछ सुख वे होते हैं जिन्हें हम कमाते नहीं हैं, वे हमारे लिए हमारी कोशिश के बिना आ जाते हैं, जैसे बॉस के घर छठवीं लड़की का जन्म। मगर कुछ सुख हम कमाते हैं, जैसे खोटा सिक्का चला देना। जब से नए सिक्के चले हैं, खोटी चवन्नी चलाने का सुख जाता रहा, अब उसकी स्मृति ही शेष है। हम जेब में हाथ डालकर उंगलियों से टटोल कर खोटी चवन्नी निकालते थे, उसे बेपरवाही से पान वाले की तरफ बढ़ाते थे। भीतर धड़कन होती थी, मगर चेहरे पर हम शांति बनाए रखते थे। जब पान वाला उसे अपनी चिल्लर में डाल लेता, तब हमें परम आनंद की उपलब्धि होती थी। ये ठगने का सुख है, इसे ही ब्रह्मानंद कहा गया है। ब्रह्मानंद तब प्राप्त होता है जब साधक परमात्मा को ठग लेता है। कई तपस्वी ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए पूरी जिंदगी साधना में बर्बाद कर देते थे। वे अगर स्थानीय पान वाले के पास एक खोटी चवन्नी चला देते तो उन्हें सहज ही ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता। प्रेम में ठगना जरूरी है। जब प्रेम बहुत गहरा हो जाता है, तब प्रेमिका प्रेमी को छलिया, कपटी और ठग कहने लगती है। जो जितना बड़ा ठग होगा, वे उतना ही बड़ा प्रेमी होगा। मगर कबीरदास कहते हैं कि ठगाने में भी सुख है। कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मैं तो पिछले महीने ही बड़ी सफाई से ठगा गया, मगर मुझे सुख नहीं हुआ। मैं दिल्ली स्टेशन पर अपने मित्र के साथ पठानकोट एक्सप्रेस में चढ़ा। खिड़की के पास बैठे एक सज्जन ने, जिन्हें मैं आगे सज्जन नहीं कह सका, 10 का नोट दिखाते हुए मुझसे पूछा, 10 छोटे नोट होंगे? मैंने झट जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगा। कुल 9 नोट थे। वे बोले, कोई बात नहीं, एक बाद में लूंगा। मुझे नौकर को 2 रुपए देना है। मैंने उन्हें 9 नोट दे दिए। वे झट खिड़की की तरफ मुड़े और नौकर को पुकारा, रंगनाथ ये ले। उसे 2 रुपए दे दिए। मैंने सोचा 10 का नोट बाद में ले लूंगा, ये साथ ही तो सफर कर रहा है। मैं अपने मित्रों से विदा लेने लगा, गाड़ी चल दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वे आदमी गायब था। यहां से मैं उसे सज्जन नहीं, सिर्फ आदमी कहूंगा। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे यहां बैठे जरूर थे, पर अभी नहीं, चले गए। मैं उसे पूरी तरह पहचान भी नहीं सका था। मुझे उसके नौकर का नाम अलबत्ता याद था, रंगनाथ। मैंने पूरे डब्बे के 2-3 चक्कर लगा डाले। जो आदमी मुझे उस जैसा दिखता, मैं उसी से पूछता, क्यों साहब, आपने क्या रंगनाथ को 2 रुपए दिए थे? मैं पूछता, कौन रंगनाथ? मैं चुप आगे बढ़ जाता। मेरे दोस्त और वे 2-3-4 यात्री मेरी हलचल देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आप उन्हें क्यों खोज रहे हैं? क्या 10 का नोट नहीं लिया? मैंने सोचा, अगर कह दूंगा कि मैंने नोट नहीं लिया तो ये सब मुझे महामूर्ख समझेंगे। फिर उन लोगों के साथ मैं लंबा सफर कैसे तय करूंगा जो मुझे बेवकूफ समझते हैं? इससे ज्यादा डर मुझे मेरे दोस्त का था। वे मुझे पैसा उड़ाने पर बहुत डांटते थे। 1 हफ्ते में दिल्ली में हम लोग पास का सब पैसा
और उधार लेकर भी खर्च चुके थे। मेरे पास कुछ चिल्लर ही अब बची थी और उनके पास भी 4-6 रुपए पड़े थे। मैं झूठ बोल गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे उन्हें 1 रुपया देना है। उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि कोई ऐसा आदमी भी इस धरती पर है जो पैसा लेने वाले को ढूंढ रहा है। वे लोग बोले, तो आप क्यों परेशान है, वे खुद आपको ढूंढ लेगा। हार कर मैं सो गया। झांसी में जब सुबह हुई तो मैंने देखा सामने से ऊपर की बर्थ से उतरकर एक आदमी मेरे पास आया। मैंने पहचान लिया, वही था। मैंने कहा, अरे आप कहाँ गायब हो गए थे। उसने कहा, मैं थका था इसलिए सो गया। मेरे दोस्त ने कहा, ये तो आपको बहुत खोजते रहे। उसने सहज भाव से कहा, आप क्यों परेशान हुए साहब, 1 ही रुपए की तो बात थी, मिल जाता। मेरे मन में कांटा चुभा। वह चुपचाप पड़ा पड़ा मेरी बात सुन रहा था, पर अब मैं उसे 10 का नोट कैसे मांगू। मैं सबसे कह चुका था कि मुझे ही उसे 1 रुपया देना है। अब अगर मैं उससे 10 का नोट मांगू तो ये सब मुझे ही ठग समझेंगे। मैंने चिल्लर इकट्ठी करके उसे 1 रुपया और दे दिया। मैं ठगा गया। पर जिस सुख का संकेत कबीरदास ने किया है वे मुझे नहीं हुआ। चाय और नाश्ता वो तो मेरे मित्रों ने अपने पैसे से करा दिया। वे आगे उसी गाड़ी में बढ़ गए और मैं दूसरी गाड़ी में जबलपुर तक भूखा बैठा रहा। कबीर के इस दोहे पर मैं बार बार विचार करता हूं, आखिर उसका मतलब क्या है। उन्होंने उल्टबासियां जरूर कही है, पर ये उल्टबासी नहीं है। फिर मुझे सूझा कि कबीरदास ने ये नहीं बताया कि किससे ठगने का सुख होता है, आखिर ठगने वाला कैसा होना चाहिए। दूसरे पदों में इसका पता किया, वे ठगने वाला नहीं है, ठगने वाली है। उसका नाम माया है, माया महाठगिन हम जानी। कबीरपंथी साधु गाते हैं, ठगनी क्या नैना मटकावे। वे सब ठगने वाली माया को जानते हैं, सिर्फ मैं अभागा नहीं जानता। माया महाठगिन हम जानी। महात्मा तुम तो जान जानी, पर हम तो नहीं जानी कि ठगाना हो तो माया से ठगाना चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं हमें माया आकर ठगे। माया खाली ना हो तो उसकी सिस्टर ही आकर ठग ले, या कोई माया की सहपाठनी ही ठग ले। इनसे ठगने से तो सचमुच सुख होगा, पर ये तो नहीं आई। ठगा गया रंगनाथ के उस बेईमान मालिक से। कबीर के इस दोहे का बाकी अर्थ भी मेरे सामने उधर गया। दूसरी पंक्ति में कहा है, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। यानी आप अगर किसी को ठगेंगे तो आपको सुख होगा, कोई और उसे ठग लेगा तो आपको दुख होगा कि हम उसे नहीं ठग पाए। एक प्रकाशक मुझसे उस दिन कह रहा था कि अमुक प्रकाशक तो आपको ठग रहा है। उसे दुख हो रहा था कि दूसरा प्रकाशक मुझे ठग रहा है और वे नहीं ठग पा रहा। मगर ये प्रचार कि मैं तो ठगा जाता हूं दूसरे को ठगने की भूमिका बन सकता है। एक आदमी ने अपना प्रचार कर रखा था कि मैं तो बालक की तरह भोला हूं और मुझे कोई भी ठग लेता है। उसके प्रशंसक कहते थे, अरे भाई उसे तो कोई भी ठग लेता है, कोई उससे उसकी लंगोटी भी मांगे तो वे उतार कर दे देगा। मैं एक दिन उस संत के पास गया। मैंने देखा कि उनके पास ही दूसरों की उतरवाई हुई 15-20 लंगोटियां रखी है। बात ये थी कि उसके सामने लोग जब जाते तो ये मानकर कि वह तो बहुत भोला है, अपनी लंगोटी की तरफ से असावधान हो जाते और वे धीरे से गफलत में उनकी लंगोटी उतार लेते। मैं फौरन अपनी लंगोटी बचाकर भागा। मैं भी सोचता हूं कि जब ठगा गया हूं तो एक बार किसी को ठग कर देखूं।
अगर अब भी माया ठगने नहीं आई तो मैं खुद रंगनाथ के मालिक को ढूंढ कर ठगूंगा।